हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, खुशखबरी। क्या है दोस्तों कि आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी आ गई है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड 2020 बैच की वैकेंसी ओपन हो गई है और इसके लिए मात्र एंड ओनली 5 डेज ही शेष हैं जिसमें आप आवेदन कर दें तो कर दें, वरना इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी। और फ्रेंड्स, चलिए हम डिटेल्स लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो आती है पसंद तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक डिटेल्स को। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं क्या है। जैसे कि आपको नाम पता चल गया है इसका, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 नाबिक, यहाँ पर आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। और दोस्तों यहाँ पे जनरल ड्यूटी है, देन रिक्वायरमेंट 2020 बैच है ना। और बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि आप कब तक इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं और कब से डाल सकते हैं, परीक्षा कब होगी एंड इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं वो आज से ही हो गए हैं, मतलब 26 जनवरी 2020 से आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देन बात आती है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2020 इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट है। और नेक्स्ट आता है क्या, एग्ज़ाम डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर बिल्कुल मंथ बताया गया है कि मार्च 2020 में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा। देन आता है क्या, एडमिट कार्ड अवेलेबल कब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताया गया है कि 15 से 20 फरवरी के बीच आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ क्या इम्पोर्टेंट डेट्स, अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसके लिए फीस कितनी पे करनी होगी आपको। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, हम आ गए हैं एप्लीकेशन फ़ीस वाले सेक्शन पे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या कि किसी भी प्रकार की फ़ीस का कोई प्रावधान नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनरल OBC कैंडिडेट्स RS 0, मतलब किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं। SC ST कैंडिडेट्स RS 0, मतलब यहाँ पे भी किसी प्रकार की फ़ीस का कोई प्रावधान नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों बात आती है कि पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो दोस्तों, जब यहाँ पे किसी प्रकार की फ़ीस का प्रावधान ही नहीं है तो पेमेंट मोड की कोई बात ही नहीं बनती। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द ऑल कैंडिडेट्स, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन ओनली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे कहा गया है कि आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस की कोई आवश्यकता नहीं, आप मात्र मात्र एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है कि सर इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मिनिमम एज की बात की गई है कि आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए कि आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए एंड आपकी आयु कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम एज 22 ईयर्स, कहने का मतलब 22 साल से अधिक आपकी एज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देन बात आती है कि सर किसी भी प्रकार का आरक्षण है। तो हाँ जी, बिल्कुल आरक्षण है, आप इसके लिए नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या है। एज बिटवीन आपकी 01, 02, 1998 टू यहाँ पे 31, 07, 22। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपकी आयु 1/2/1998 से 31/7/2002 के बीच होना अनिवार्य है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपको कैसा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, पास है 10+2 इंटरमीडिएट। तो दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए। यहां पर दिया गया है, एग्ज़ाम इन
मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। दोस्तों आपकी 12वीं मैथ और फिजिक्स से कंप्लीट होना अनिवार्य है। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट आपकी 12th क्लास में होना चाहिए और वो भी 50% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आपकी 12वीं 50% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ और फिजिक्स। आप समझिए कि आप यदि मैथ से 12th किए हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि वैकेंसी की डिटेल्स क्या है। तो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं 260 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 260 पोस्ट हैं आपके यहाँ पर कोस्ट गार्ड की। अब दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट नाम है क्या, नाविक GD जनरल ड्यूटी। देन इसके बाद क्या बोला गया है, जनरल की यहाँ पर 113 और OBC की हैं 75, EWS की हैं 26, SC की हैं 33, ST की हैं 13 और यदि आप टोटल काउंट करेंगे तो 260 हो जाती हैं। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको क्या फिजिकल फिटनेस मांगी है इसमें। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है 1.6 km रनिंग इन 07 मिनट्स, मतलब कि आपको 1600 मीटर यहां पर या फिर 1.6 किलोमीटर रनिंग चाहिए। कितने टाइम में, 07 या 7 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आपको 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी या फिर 1.6 किलोमीटर। देन सेकंड क्या है, 20 स्क्वाट अप्स, यहाँ पे उठक बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको 20 उठक बैठक लगाने होंगे। देन नेक्स्ट क्या आता है, 10 पुशअप। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10 पुशअप भी लगाने होंगे। और बात आती है कि हाइट कितनी मांगी है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट होगी। और यहाँ पर चेस्ट मिनिमम एक्सपेंशन, तो दोस्तों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स यहाँ पर आपका डिस्टेंस मांगा है, फुलाने और ना फुलाने के बीच में आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए फिजिकल रूप से एलिजिबल हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर हम इसके लिए एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर कौन कौन से सेंटर हमको मिलने की संभावना है, कि आपके एग्ज़ाम कहाँ पर हो सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपका वाराणसी हुआ एंड यहाँ पे नोएडा, फिर नेक्स्ट आता है कोलकाता, देन भोपाल और लास्ट आता है आपका जोधपुर। अब दोस्तों इसकी डिटेल्स भी ले लीजिए कि आखिरकार किस में क्या क्या आता है। बात करें वाराणसी की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वाराणसी के अंतर्गत आपके आते हैं क्या, उत्तर प्रदेश अदर देन NCR डिस्ट्रिक्ट। देन बात आती है नेक्स्ट क्या था, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट है क्या, नोएडा। तो नोएडा में डिफेंस आप यहां पे देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, NCR UP, NCR राजस्थान, देन इसके बाद NCR डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों आप नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, अब आपका था दोस्तों डिफेंस कोलकाता। आप फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं कोलकाता में क्या क्या, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार वाले एंड झारखंड। नेक्स्ट आता है क्या दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका भोपाल, जो कि MP की कैपिटल है। फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं भोपाल में मध्य प्रदेश पूरा एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आता है क्या, जोधपुर राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान अदर देन NCR डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो ही बात कि सर मेरे लिए जे सेंटर मिल सकते हैं, और यदि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल बेझिझक हमको जे सेंटर मिलने वाले हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आखिरकार कितनी एज में छूट है आप लोगों के लिए, और क्या आप लोगों का रिटर्न का प्रोसेस कैसे क्या रहेगा, हम वो डिटेल्स ले लेते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं इसके फुल नोटिफिकेशन पे। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अस नाविक जनरल ड्यूटी 10+2 इंटायर, यहाँ पे जो हम सब पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए एज में कितनी छूट है, आयु में कितनी छूट है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इसको भी रीड कर लेना, यदि आप नोटिफिकेशन पढ़ें, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर 10+2 पासड विद मैथ्स एंड फिजिक्स फॉर्म एंड एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद मिनिमम 50% एग्रीड मार्क्स। यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन इन मिनिमम कट ऑफ विल बी गिवन फॉर SC ST कैंडिडेट्स। यहाँ पे दोस्तों आप ये पढ़ लेना, एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ नेशनल लेवल हु हैव ऑप्टेनेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन इन एनी फील्ड स्पोर्ट्स इवेंट
एट द ओपन नेशनल चैम्पियनशिप, इंटर स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप। तो दोस्तों यदि आप खेल से बिलोंग करते हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आपको जिस प्रकार का भी यहाँ पे कहीं अवार्ड वगैरह मिला है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बोला गया है कि रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और सब कुछ। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्या एज, तो यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष मैंने बोला था। और यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें क्या, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ SC ST। तो दोस्तों SC ST वालों के लिए 5 साल का, और 3 ईयर्स ऑफ OBC। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 साल का OBC वालों के लिए छूट मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फॉलो बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों रिटर्न, रिटर्न के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, ये तीनों प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, देन इसके बाद सिलेक्शन आपका डन आर डन हो जाएगा यदि आप मेरिट में आते हैं। और दोस्तों यदि आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर करप्शन नहीं चलता, आप किसी के झांसे में ना आए, बिल्कुल पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये 100% फेयर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने इम्पोर्टेंट जो था वो सब आपको बता दिया है। यहाँ पे जो रीजन दिए गए हैं आपका नॉर्थ ईस्ट जोन, यहाँ पे जे सारे एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट जोन जे पड़ेंगे, ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, नॉर्थ वेस्ट जोन में, और यहाँ पे AN जोन। तो दोस्तों ये सभी था जो कि मैंने आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया है। फिर भी आपके मन में अभी कोई सवाल आ रहा हो तो आप बेझिझक पूछें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।